हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जन आक्रोश रैली, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और गुरु रविदास जयंती के अवसर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन पूरे हरियाणा में किया जाएगा। ऐसे में आप भी देखिएगा कि किस जिले में किस विधानसभा सीट पर और कौन सा और किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा। 28 जनवरी को बादली में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। वही 3 फरवरी को मुलाना में जन आक्रोश रैली की जाएगी। 4 फरवरी को तिगाव में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। 5 फरवरी को गुरुग्राम में जिला कार्यक्रम सम्मेलन किया जाएगा। 9 फरवरी को चरखी दादरी में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वही 11 फरवरी को होडल में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। 18 फरवरी को कलायत में जन आक्रोश रैली की घोषणा कर दी गई है। 17 फरवरी को हिसार में पिछड़ा वर्ग का बड़ा महासम्मेलन होगा। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के लिए कांग्रेस काफी कमर कस रही है। वही 24 फरवरी को रविदास जयंती समारोह झज्जर में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के लिए कांग्रेस काफी कमर कस रही है। वही 24 फरवरी को रविदास जयंती समारोह झज्जर में आयोजित किया जाएगा। कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने अभियान का बिगुल बजा दिया है। 25 फरवरी को महेंद्रगढ़ में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। 2 मार्च को उकलाना में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। 3 मार्च को समालखा में जन आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। 10 मार्च को फरीदाबाद में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। वही कांग्रेस पार्टी ने AICC के जो सचिव है, जिसमें विनीत पुनिया, आशीष दुआ, वीरेंद्र राठौर, चेतन चौहान और प्रदीप नरवाल को हरियाणा की चुनाव समिति का सदस्य बना दिया है और कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से इसे लेकर लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और चुनाव को देखते हुए BJP के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।